नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही दलों में हलचल तेज हो गई है। 3 चरणों में बिहार को चुनाव निपटाने होंगे और कोरोना संक्रमण से भी बचाव करने होंगे। उम्मीद है कि 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को निर्धारित तिथियों पर अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगले 5 वर्षों के लिए सूबे में एक प्रगतिशील सरकार का सपना पूरा करेंगे। पहले फेज के लिए 71, दूसरे के 94 और तीसरे के लिए 78 सीटों पर मतदान की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही बिहार में नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो जाएगी। चुनावी दंगल के ऐलान के साथ ही पूरे बिहार में 49 दिनों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, जिसका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य है। इस बार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के सामने कोरोना संक्रमण की विशेष परिस्थिति है। इसमें उपयोग के लिए 46 लाख मास्क, 23 लाख हैंड ग्लोव, 6 लाख पीपीई किट एवं लगभग 8 लाख फेस शील्ड की आवश्यकता होगी। यही नहीं, 7 लाख सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ चुनौती का सामना करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अब उम्मीदवारों की घोषणा को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। विधानसभा चुनाव घोषित होने से पहले बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास का चल रहा कार्यक्रम अब शांत हो गया है। कुल 93,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। देखना है कि बिहार में विकास का रथ कितना प्रभावी रहा है। वर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का मानना है कि अगला लक्ष्य सक्षम बिहार बनाने के कदम के अनुरूप ही होगा। स्वावलंबी होने की दिशा में सभी प्रयास असरदार होंगे। नीतीश कुमार ने जनता को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनके सही फैसले पर भरोसा जताया है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी असल प्रतिद्वंदिता तो भाजपा के साथ ही है। जदयू उनके लिए मायने नहीं रखता है। उन्हें अपने गठबंधन के लिए काम करना होगा। जीत की रणनीति बनाई जा रही है। बात करें रालोसपा की, इसके चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के लिए कह दिया है। वे यह भी कहते हैं कि जिस क्षेत्र से उसके सहयोगी दल होंगे उसकी भी पूरी तरह से मदद की जाएगी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम ठीक चुनाव घोषणा से पहले एक और तगमा क्लाइमेट लीडर के रूप में मिलने से जदयू समेत एनडीए गठबंधन के सभी सदस्य काफी खुश हैं। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को इस पृथ्वी के लिए नजीर के रूप में माना गया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।